Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. As you know that we are discussing principles of management of odontogenic infection. And so far we have discussed the first four principles in this respect. Today we will discuss the fifth principle, that is support patient medically. As we know that systemic support is an indispensable component of management of odontogenic infections. Because we mentioned in our previous slides that it is ultimately the patient's host defenses that eventually compare the infection. Once the source of infection is eliminated and the infection is drained, the bacterial load is decreased. Apart from these surgical steps, as we explained in our previous videos, the clinician's important role is to optimize the patient's ability to eliminate residual infection by supportive means. Which are those supportive means which will help to increase the host defense mechanism of the patient? So these supportive measures include hydration, improved nutrition, pain control, and adjunctive antibiotic therapy, blood glucose control. Most patients presenting with odontogenic infections are dehydrated and poorly nourished due to poor oral intake from pain and discomfort. Patient ko dekhe, odontogenic infection ke patient ko pain or discomfort hoti hai, is wajah se patient ka jo oral intake hai, wo poor hota hai. Theek hai, jab poor hoga, to wo mal nourish hoga, dehydrated hoga, theek hai? To aapne pehla step uthaya, thorough surgical care ki source of क्या क्या सोर्स को कंट्रोल किया, इंसिजन ड्रेनेज की, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है कि पेन को कंट्रोल करना है और किन चीजों को इनकरेज करना है, आपने ओरल इनटेक को इनकरेज करना है, ठीक है, और दूसरा जो है आपने ओरल हाइड्रेशन या इंट्रावीनस हाइड्रेशन, ठीक है, और न्यूट्रिशनल इनटेक के साथ आपने ओरल हाइड्रेशन की भी बात करनी है पेशेंट के साथ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि उसकी हाइड्रेशन जो है वो क्या है उसको आपने कम करना है। अच्छा, जो आप जिस जब स्टेप्स आप उठाते हो ना, तो इससे क्या है कि आपके जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं, जब आप ये मेजर्स लेते हो ना, तो ये क्या करते हैं कि दे प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट ऑफ होस्ट डिफेंस सिस्टम फॉर एन अनइवेंटफुल रिकवरी। तो पेशेंट आपका जो है उसका जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है वो रिकवर होता है, वो इन्फेक्शन को कम्बेट करता है, ठीक है, आपने जो सर्जिकल मेजर्स लिए उसके साथ उसका जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या है, बूस्ट अप हो जाता है और इन्फेक्शन को वो कंट्रोल करता है। अच्छा, अब आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ गया है जो कि अक्यूटली डिहाइड्रेटेड है, तो उसमें आपने ओरल इंटेक पे नहीं जाना, आपने उसको इंट्रावीनस जो है वो फ्लूइड्स देने हैं, ताकि जो फ्लूइड्स जो है वो लॉस कर चुका है, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या है वो आप उसको रिप्लेस कर सको, ठीक है ना, उसको रिप्लेस कर सको, तो आपने इंट्रावीनस जो है वो क्या करना है, फ्लूइड्स देने हैं ऐसे पेशेंट को जो अक्यूटली डिहाइड्रेटेड हो। जाहिर है उसका इन्फेक्शन 2 या 3 दिन, हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन उसके 4थे दिन कर रहा हो, जो 4 दिन तक वो उसकी जो ओरल फ्लूइड्स की इनटेक है, ठीक है, वो बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से वो अक्यूटली डिहाइड्रेट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर आपने जहन में रखना है कि फीवर जो है वो क्या करता है, इट फीवर इंक्रीजेस द कैलोरिक एंड फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स, तो इस फैक्टर को भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एलिवेटेड ब्लड शुगर पे बात कर लेते हैं। जो ऑडोंटोजेनिक पेशेंट्स होते हैं उसमें ये नोट किया गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई होता है, ठीक है, और ये उस केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें तो हमखा हाई होता है इन दोस पेशेंट्स who have an underlying diagnosis of diabetes mellitus, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में तो हमारा ब्लड शुगर जो है लेवल जो है वो क्या होगा, हाई होगा। आम पेशेंट्स में भी हाई हो सकता है और डायबिटिक पेशेंट में तो हमारा हाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हाइपर ग्लाइसीमिया जो है दैट इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्रोमाइज सिस्टेमिक रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड पुअर वाउंड हीलिंग, तो आपने हाइपर ग्लाइसीमिया या डायबिटीज को क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसलिए जब आपके पास पेशेंट एडमिट हो, ठीक है, वो क्या है कि वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो,
तो आपने जो ये सिस्टेमिक सपोर्ट प्रोसेस है, इसमें यह है कि जो इंडोर पेशेंट्स हैं उनमें भी आपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। यानी पेशेंट अगर डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, तो आपने देखना है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हाई है तो उसको आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो पेशेंट एडेंटोजेनिक इन्फेक्शन का होता है उसमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई होता है। ठीक है, हो सकता है। अच्छा, अब जो आपके पास ऐसे पेशेंट भी आ सकते हैं, ठीक है, दे मे प्रेजेंट विद अदर सिस्टेमिक इलनेसेस एंड दैट विल रिक्वायर अ स्पेशल अटेंशन। तो वो पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन का हो सकता है, डिसरिथमियास का हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और ऑटोइम्यून डिजीजेस का हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने ऑटोइम्यून डिजीज का, जाहिर है आप अमीनो सप्रेसिव थेरेपी देंगे। तो अब जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें हमने अमीनो सप्रेसिव थेरेपीज के बारे में बात की, वो आपकी जो है क्या है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लेना होगा। जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है वो इंटरनल मेडिसिन का है या इन्फेक्शियस डिजीजेस का कोई एक्सपर्ट है। ठीक है, तो उससे आपने इसको पेशेंट को जो है वो कंसल्ट करके इसकी मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।